table them. Okay, let's start. मैंने 6 इंच की लाइन बनाई हुई है, ये देखिए, इस तरीके से 6 इंच की लाइन लेनी है हमें, यहाँ से 1 और इधर से भी 1 लेना है, इधर से 2 तो इधर से भी 2 लेना है, ओके? नीचे हम थोड़ा गैप छोड़ने के बाद 1 इधर से और 1 ये, ओके? इस तरीके से आप इंच बना लेना, ये देखिए, यहाँ से भी 2 इंच है और इधर से भी 2, ओके ये रहा, तो टोटल हमारा 4 हो गया, इधर से हो गया 1 इंच इधर से, 1 इंच इधर से, ओके यहाँ से हम थोड़ा गैप छोड़ने के बाद फिर लेंगे 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से, टोटल हमारी 6 है ही, चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले हम मेन पॉइंट ये सी बना लेते हैं, स्मॉल सी, ओके इस तरीके से, ऐसे जॉइंट कर देना है लाइन को। अब हम साइड से निकालते हैं और इस लाइन को हम यहाँ से अटैच कर देंगे, इस तरीके से अटैच करने के बाद थोड़ा हमें लाइन को नीचे की साइड को लेकर आना है, क्योंकि हमें इसमें गोलाई शेप दिखानी है, ज़्यादा नहीं करना, हमें बहुत ही हल्का करना है इस तरीके से, और ये लाइन हम इरेज कर देंगे, इस लाइन को जो स्केल से बनाई हुई है। अब हम यहाँ पर हाफ इंच से भी कम इधर से हल्का हल्का पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से देख लीजिए इस तरीके से, और ये यहाँ से लाइन को निकालना है स्केल से इस तरीके से, और इस लाइन को हमें छोड़ा है और इधर से भी, और बाद में बीच की लाइन जिस पे क्रॉस का निशान है तो ये हम कैंसिल कर देंगे, इस लाइन को ये हम जॉइंट कर देंगे, इस लाइन को बताया था कुछ गैप करने के बाद, ओके यहाँ से हम हमने नीचे की साइड एक लाइन ली है, तो हमने ये 1 इंच ली थी, 1 इंच इधर से और 1 इधर से, ऐसे ही हम हाफ करेंगे तो 1 नहीं लेंगे, हम लेंगे हाफ, हाफ इधर से, तो ये टोटल 1 हो गया ना 1। अब यहाँ से हमें इसको जॉइंट करना है इस तरीके से, जॉइंट कर देना है लाइन को। अब हमें देखना है हल्का सा हमें नीचे लाइन लेना है, लाइन जॉइंट कर दो, और करने के बाद यहाँ से इसको अटैच करना है इस तरीके से, सेम इधर से भी ऐसे ही करेंगे हम, देखो इस तरीके से हमें टेबल लैंप बनाना है, तो कोशिश करना कि इस तरीके से आप ही बना पाओ, बहुत ही मैंने इजीली तरीके से आपको समझाया है, सारे पॉइंट्स बताए हैं, इस अकॉर्डिंग बनाओगे तो बहुत ही सुंदर निकल के आए, इस तरीके से लाइंस को क्लियर कर लेना है, ओके मैं सारी लाइंस इरेज कर दी है, इस तरीके से शेड लगाना है, शेड करना होगा।
निकालना है इस तरीके से बराबर शेप में, ये है, तो हमें इस तरीके से शेप निकालनी है ऐसे। ओके, अब हम कुछ गैप करने के बाद फिर ऐसे ही निकालेंगे।